गुड मॉर्निंग आई एम गौरव एंड टूडे वी आई गोइंग टू कम्प्लीट द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डायवर्सिटी इन फर्स्ट पार्ट वी हैव अंडरस्टुड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड differences एंड दैट differences टू to एंड सोशल divisions. हमने कई चीज़ों के बारे में बात की हमने समाज के डाइवर्सिटी के बारे में बात की हमने डेमोक्रेसी की बात की और हमने इस डाइवर्सिटी के अंदर होने वाले छोटे छोटे डिफरेंसेस की भी बात की कई बार ये डिफरेंसेस सोशल डिविजन में या फिर सोशल टेंशन में क्रिएट हो जाते हैं इस बारे में भी हमने बात की तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि एग्जैक्टली exactly हम लोगों का डेमोक्रेसी को लेकर डिफरेंसेस को लेकर और डिविजन्स को लेकर क्या पॉइंट्स था सबसे पहले हमने बात की थी 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स के बारे में जहाँ पर दो एथलीट्स कार्लोस और स्मिथ ने आ, अमेरिका में होने वाले अपार्थेट सिस्टम के खिलाफ एक ये कहें कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया था ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट अमेरिका में जाकर बैकफायर कर गया अमेरिका का एक एथलीट अमेरिका का झंडा लेकर अगर अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है तो अमेरिका ने उसको बर्दाश्त नहीं किया और जब वो वहाँ गए तो अमेरिका की ओलंपिक कमेटी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया कुछ लोग थे जिन्होंने इसको सपोर्ट भी किया और सेंट जोस यूनिवर्सिटी में इनकी स्टैचू बनाई लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी थी ये जो इवेंट था और इस इवेंट से जो कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई उस कंट्रोवर्सी ने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में यू नो सोचने पर मजबूर किया या ये कहें कि इस इवेंट ने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया जो कि अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री जो अपने आप को डेमोक्रेसी का चैम्पियन होने का दावा करता है वहाँ पर हो रही थी लेकिन क्या अमेरिका में ये पहली बार हुआ नहीं हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका में ये सब चीज़ें पहली बार नहीं होती रादर अमेरिका में ये सब चीज़ें सेवनटीन सेंचुरी से शुरू हुई थी जब अमेरिका में नीगरोज यानी कि जो लोग ब्लैक होते हैं जिनका स्किन कलर ब्लैक होता है उन्हें गुलाम बनाकर प्लांटेशन में काम किया जाता था मैंने आपको ये भी बताया था कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन ने यूँ तो सबके लिए इंश्योर की थी बट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इनहेरिट डिफेक्ट होने की वजह से वहाँ के लोगों की जो मैंटेलिटी थी आप कीजिए वो मैंटलिटी ऐसी बन गई थी कि जो ब्लैक लोग हैं जो निक्रोस हैं ये जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं ये हमारे ग़ुलाम थे आज से सौ साल पहले दो सौ साल पहले तो इन्हें लगता था कि ये लोग आज भी उसी गुलामी को रिप्रजेंट करते हैं और इसी वजह से उनके दिमाग में एक मैंटिलिटी बन गई थी कि जो काले लोग हैं ये हमसे इन्फीरियर हैं उन्हें एक सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका था और ये सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स कोई अमेरिका की अकेले की बात नहीं थी ये सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स उन सभी सब कॉन्टिनेंट्स में था जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया था आपको पता है कि भारत में भी ब्रिटिशर्स ने काले और गोरों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रमिनेशन किया था महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में यू you नो know, ट्रेन से बाहर जाने पर मजबूर हो गए थे क्योंकि वो एक ब्लैक थे और वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे जो कि एक ऐसे कंपार्टमेंट में जो एक वाइट को बिलोंग करती थी तो ये जो सिस्टम था अपार का ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ग्रेव था अमेरिका में बहुत ज़्यादा डीप रूटेड था यहाँ तक कि ब्लैक लोगों की कॉलोनीज भी अलग अलग बनी हुई थी इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन का ऑपरेशन का सामना करना पड़ता था फाइनली जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ ने जब इस मुद्दे को ओलंपिक्स इवेंट में उठाया क्योंकि उनको लगता था कि ये सबसे परफेक्ट प्लेटफॉर्म है इस सोशल इशू पे लोगों का ध्यान खींचने के लिए यहाँ से फिर हमने पढ़ा था कि क्या सोशल डिविजन काले और गोरे के आधार पर होता है आई थिंक नहीं हमने पढ़ा था कि ओरिजिन क्या होता है सोशल डिफरेंसेस का ओरिजिन क्या होता है तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप डिफरेंसेस और डिविज़न में अंतर समझिए डिफरेंसेस का मतलब होता है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से किसी भी तरीके से डिफरेंट होते हैं जो कि आप होते भी हैं भगवान ने ईश्वर ने हर इंसान को एक यूनिक तरीके से बनाया है जिस लाइक हमारे फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मैच करते तो हर डिफरेंस डिविज़न कन्वर्ट नहीं करता लेकिन जब हमारी मैंटलिटी उस डिफरेंसेस को किसी और चीज़ से एसोसिएट करने लग जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ब्लैक लोग थे ब्लैक लोगों को एसोसिएट किया गया पहली बात तो कलर ब्लैक था लेकिन इस ब्लैक कलर को एसोसिएट किया जाता था गरीबी के साथ तो यहाँ पर एक कलर ब्लैक होने से डिफरेंसेस नहीं हुआ लेकिन डिफरेंसेस जो कि ब्लैक था उसके साथ जब एडिशनल डिफरेंस आया गरीबी तब वो एक सोशल डिविजन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि कोई भी अपने आप को पॉवर्टी के साथ एसोसिएटेड करके नहीं देखना चाहता तो कभी भी ब्लैक लोगों को अमेरिका में मौका नहीं मिला कि वो आगे आए सोशल मैं में ज्वाइन करें और अपने आप को एक प्राउड अमेरिकन की तरह रिप्रेजेंट करें तो उन्होंने अपने गर्दन को झुकाया और अपने आप को प्राउड अमेरिकन की तरह नहीं बल्कि एक अशेम्ड अमेरिकन की तरह रिप्रेजेंट किया हमने ये भी पढ़ा था कि आ, सोशल डिविजन्स के औरिजन्स अपार्ट फ्रॉम बर्थ जब आप पैदा होते हैं तो पैदा होने के साथ कई चीज़ें जो आपके साथ हमेशा से मौजूद होती हैं जिनको कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कलर आपकी हाइट आपकी कास्ट आपकी रिलीजन आपके माँ बाप ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते दूसरा डिफरेंसेस आता है जब आप बड़े हो जाते हैं तब तो आप कुछ चीज़ों को लेकर पर्टिकुलर हो जाते हैं और चॉइस करते हैं फॉर एग्जांपल आपने सोचा होगा कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है लॉयर बनना है टीचर बनना है ये आपकी चॉइस है जब चॉइस आप लेते हो उसी हिसाब से आप अपनी कम्यूनिटी को क्रिएट करते हैं जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर uh, में कि डॉक्टर की कम्युनिटी अलग होती है इंजीनियर्स की कम्युनिटी अलग होती है लॉयर्स की कम्युनिटी अलग होती है इनके यूनियंस अलग अलग होते हैं इनके ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग हो सकती हैं बट क्या ये सब डिविजन क्रिएट करती है शायद नहीं करती तो हर डिफेंस डिविजन में कन्वर्ट नहीं होता लेकिन जब डिविजन में कन्वर्ट होता है तब उसका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है स्टूडेंट्स डिपेंड करता है कि डिविजन का इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसे पड़ रहा है एग्जांपल के तौर पे 1857 की जब वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस इंडिया में हुई थी तब हमने हिंदू और मुसलमानों ने साथ में मिलकर ब्रिटिशर्स से लड़ाई की थी उस समय जब हमारे बीच में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था तब ना हिंदू ने सोचा था कि मुसलमान बुरे हैं ना मुसलमानों ने सोचा हिंदू बुरे हैं अचानक से ये जो डिफ्रेंसेस था ये डिवीजन में कन्वर्ट तब हुआ जब ब्रिटिशर्स को लगा कि शायद कि दो कम्युनिटी मिलकर हमें ओवरपावर कर सकती है और हमें अब अपनी पॉलिसी जिसको हम डिवाइड एंड रूल करते हैं उसे अप्लाई करने का यू नो मौका मिलना चाहिए और उन्होंने अप्लाई किया और अचानक से ये जो डिफरेंसेस था वो इस तरीके से डिविजन में कन्वर्ट हुआ कि अगले सौ सालों के अंदर अंदर हमारे देश के तीन टुकड़े तो हो गए एक बना पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान एक भारत था एक इसके अलावा पश्चिमी पाकिस्तान बना जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते हैं तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे वट इज द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन स्टूडेंट जब पर्टिकुलर डिविजन uh, के बीच में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया जाता है याद रखिए पॉलिटिक्स एक पूरी तरीके से कॉम्पिटिशन होता है कोई पार्टी जीतती है और दूसरी पार्टी हारती है और पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेटिंग पावर तो पॉलिटिक्स में जब पावर की दौड़ होती है तब कोई भी पार्टी एथिक्स को फॉलो नहीं करती है राइट right? तो एथिक्स को फॉलो नहीं करने की वजह से वो क्या करती है समाज में पोलराइजेशन करती है पोलराइजेशन का मतलब होता है समाज की कम्युनिटी को अलग थलग कर देना एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल लाइक दैट तो जब समाज का पोलराइजेशन होता है तो किसके बेसिस पे होगा जस्ट इमेजिन नेता एक ऐसे मुद्दे को ढूंढेंगे जो मुद्दा आपके बीच में डिफ्रेंसिस को शो करता है फिर पॉलिटिकल पार्टीज उन डिफरेंसेस को डिवीजन में कन्वर्ट करती है धीरे धीरे और फिर डिवीजन में कन्वर्ट होने के बाद वो पर्टिकुलर सेक्शन को उस सेक्शन के साथ मिक्स होने ही होने देती नफरत के बीच भर देती है फिर क्या होता है फिर होता है सोशल टेंशन फिर क्या होता है सोशल टेंशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है समाज के टुकड़े और फाइनली देश के टुकड़े अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा किस तरीके से हमारा समाज जो एक पूरी तरीके से क्रॉस कटिंग सोसाइटी थी वो धीरे 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 सोशल डिविजन के चपेट में आई पॉलिटिक्स के साथ मिक्स हुई पॉलिटिक्स के साथ मिक्स होने के बाद कैसे डिफरेंसेस डिविजन में कन्वर्ट हुए उस डिविजन ने समाज को तोड़ा और फाइनली 1947 में उस डिविजन ने हमारे देश को तोड़ा तो स्टूडेंट हमारा देश एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है जो टूटा था मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ और एग्जाम्पल है दूसरी कंट्री का जैसे हम बोलते हैं नदन आइलैंड नाव ये जो नर्दल आईलैंड था इसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटी रहती थी लेकिन मेनली यहाँ पर क्रिश्चियंस रहते थे अब स्टूडेंट्स यू मस्ट नो एंड यू शुड नो दिस कि क्रिश्चियनिटी में भी दो पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है एक होते हैं प्रोटेस्टेंट्स और दूसरे होते हैं कैथलिक्स नाव नॉर्दर्न आईलैंड में प्रीटोमेंटली ये कैथलिक्स से रहते थे और लगभग 53 थ्री परसेंट हाँ यस yes. 53 परसेंट इस कंट्री में प्रोटेस्टेंट्स रहा करते थे और बाकी के जो फोर्टी फोर परसेंट लोग थे ये थे कैथलिक्स सॉरी। तो जो कैथलिक्स थे और जो प्रोटेस्टेंट थे ये अक्सर एक ऐसे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपस में अकोमोडेट नहीं करती मोस्ट ऑफ द कंट्री में और भारत की तरह नदन आइलैंड, यानी कि पूरा जो आइलैंड था यहां पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था और ये आज से नहीं बल्कि 1707 से था जब एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था ब्रिटिशर्स के बीच में और नदन आइलैंड के बीच में 1707 को ब्रिटिश और आयरलैंड इन दोनों के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था इस एक्ट ऑफ यूनियन के साथ साथ जो पूरा आइलैंड था ये माना जाता था कि ब्रिटिशर्स का एक पार्ट था उसके बाद नदन आइलैंड में एक टेंशन क्रिएट हुई नॉर्थ सदर्न आइलैंड नदन आइलैंड में ये टेंशन हुई प्रोटेस्टेंट्स के बीच में और कैथलिक्स के बीच में प्रोटेस्टेंट्स को हम आ, अभी कह सकते हैं जो प्रोटेस्टेंट्स थे उन्हें यूनियन कहा जाता था और जो कैथलिक थे उन्हें हम बोलते थे नेशनलिस्ट आ, ये यूनियनिस्ट यानी कि जो प्रोटेस्टेंट्स थे आ, ये हमेशा से चाहते थे कि इनकी जो कंट्री है नदर आईलैंड वो यूके के साथ मर्ज हो जाए यानी कि ये प्रोटेस्टेंट चाहते थे कि नदर आइलैंड यूके का पार्ट हो लेकिन जो नेशनलिस्ट थे कैथलिक ये चाहते थे कि नदर आइलैंड एक रिपब्लिक ऑफ नदन आइलैंड बने यानी कि एक अलग कंट्री बने तो प्रोटेस्टेंट्स यूके का पार्ट बनना चाहते थे बने रहना चाहते थे यूनियन के साथ मिलना चाहते थे यानी कि एक यूनियन जिसमें यूके भी हो और आइलैंड भी हो उसके ठीक अपोजिट कैथलिक चाहते थे कि एक अलग से कंट्री हो जो रिपब्लिक ऑफ नदन आइलैंड के नाम से जाना जाए ये सोशल डिविजन कन्वर्ट हुई सोशल टेंशन में सोशल टेंशन कन्वर्ट हुई वॉइलेंस में और फाइनली वायलेंस इतना ज़्यादा हुआ कि इनके बीच में आर्म स्ट्रगल होने लगा फाइनली 1998 में यूके ने एक पीस ट्रीटी साइन की और उस पीस के साथ ये आर्म स्ट्रगल ख़त्म हुआ आइलैंड के टुकड़े हुए और फाइनली ये आम स्ट्रगल ख़त्म हुआ लेकिन एक समाज के टुकड़े के साथ ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पर डिफरेंसेस ने डिवीजन का रूप लिया डिवीजन ने सोशल टेंशन का रूप लिया समाज के टुकड़े हुए और देश के टुकड़े हुए हमारा भारत या आयरलैंड कोई पहला या आखिरी एग्जाम्पल नहीं है बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं दूसरा एग्ज़ाम्पल है, है योगोसलाविया का स्टूडेंट तो यूगोस्लाविया में आ, अलग अलग कम्युनिटी रहती थी लेकिन मेनली जो कम्युनिटी के बीच में टेंशन था वो थे यूगोस्लाविया के सर्ब्स और यूगोस्लाविया के अल्बेनियंस। इनके बीच में इतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुआ कि यूगोस्लाविया के एक पर्टिकुलर जिसको हम बोलते हैं रीजन्स उस रीजन के टुकड़े होने के साथ साथ बाद में भी रीजन्स के टुकड़े हुए और यू वॉन्ट बिलीव कि युगोस्लाविया छः अलग अलग कंट्री में बढ़ गया युगोस्लाविया के जो छः अलग अलग कंट्री थी वो थी सर्बिया जहाँ पे सर्ब्स रहते थे जिनकी मेन प्रॉब्लम थी अल्बेरियंस के साथ सर्बिया के बाद हम बात करते हैं मॉन्टेनैग्रो इसके अलावा बोस्निया हर्जे मैकेडोनिया वन टू थ्री फोर एंड देन स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया तो एक कंट्री के छुकड़े हुए क्यों हुए अगेन डिफ्रेंसेस डिविजन के साथ आया डिविजन सोशल टेंशन के साथ आया सोशल टेंशन आया कंट्री के टुकड़े के साथ आपने कभी एक चीज़ को एनालाइज़ किया है कि ये हुआ क्यों ये हुआ इसलिए क्योंकि इन सब में एक डिफरेंसेस के अंदर एक डिवीजन के अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई तो इससे ये सबक मिलता है कि अगर डिफरेंसेस डिवीजन में कन्वर्ट हुआ तब तक तो फिर भी ठीक है लेकिन डिविजन अगर पॉलिटिक्स के साथ मिक्स हो गया तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि इस चीज़ का पूरा पूरा फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टी से उठाती है और पॉलिटिकल पार्टी पोलराइजेशन करती है पोलराइजेशन करने के साथ साथ सोसाइटी में एक टेंशन क्रिएट होती है और इस टेंशन का सबसे बड़ा बेनिफिट इस पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है फिर उसके बाद पॉलिटिक्स पार्टी से कोई ये नहीं पूछता कि जॉब कितनी है सड़कें कितनी बनी अस्पताल कितने बने वो बस सामने वाली कम्युनिटी को डोमिनेट करना चाहता है अपनी कम्युनिटी को ओवर पावर करना चाहता है या ओवर पावर होने से रोकना चाहता है जो सामने वाली कम्युनिटी भी चाहती है नाउ अंडरस्टैंड दिस उसके बाद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी सारे इशू को साइड लाइन करके सिर्फ कम्युनिटी के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी को वोट देती है और पॉलिटिकल पार्टी इसी इशू को आगे खींच कर सारे इशू को साइड लाइन कर कर कई सालों तक रूल करती है अब भारत में भी देख सकते हैं भारत में भी कई कम्युनिटीज़ हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सॉरी कम्युनिटी है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है कोई ये नहीं पूछता कि भारत के मेन ईश्यूज़ क्या हैं तो अगर सोशल डिविजन्स पॉलिटिक्स के साथ मिक्स हो जाते हैं तो एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है तो आपको क्या लगता है हर सोशल डिविजन्स जो पॉलिटिक्स के साथ मिक्स हो जाए वो एक नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं क्या नेगेटिव कॉम्बिनेशन है आई डोंट थिंक सो मुझे लगता है कि कई बार इसके पॉजिटिव आस्पेक्ट या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर सी की हमारे भारत के जब चार वर्ग थे या चार वर्ण थे प्रोफेशन के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्राज ये वर्ण यू तो प्रोफेशन के आधार पर तय हुए थे लेकिन बाद में जाकर ये वर्ण जातियों में बदल गए और बाद में जाकर इनके बीच में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सप्रेशन हुआ वो दलितों का हुआ जिसे हम डिप्रेस क्लास भी कह सकते हैं बाद में जाकर जब ये सोशल डिवीज़न में कन्वर्ट हुआ और ये सोशल डिवीज़न के ऊपर पॉलिटिक्स हुई उसी पॉलिटिक्स के बदौलत आज जो हमारे देश के पिछड़े वर्ग हैं उन्हें रिजर्वेशन मिला और रिजर्वेशन के बेसिस पे वो शायद कई हद हाँ तक अपने पैरों पे खड़े हुए तो सोशल डिवीजन हर बार नेगेटिव नहीं होता कई बार वो उस कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव होता है जिन्हें सालों से आवाज़ नहीं मिली जिनके आवाज़ को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला अगर आप या कोई भी नेता उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के आगे बढ़ाने को लेकर पॉलिटिक्स करते हो और उस पॉलिटिक्स का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वो कम्युनिटी को सिर्फ आगे बढ़ाकर समाज की मेन स्ट्रीम में शामिल करना चाहते हो क्योंकि याद रखिए स्टूडेंट्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सोशल ग्रुप चाहे वो कितना भी छोटा हो जब तक उसे असेंबली में या पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा वो अपनी आवाज़ को नहीं रख सकता और जब तक अपनी आवाज़ को सामने नहीं रख सकता सरकार उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेगी तो फाइनली अगर कम्युनिटी की आवाज़ को सुनाने के लिए अगर आप या कोई लीडर पॉलिटिक्स करता है तो आई डोंट थिंक सो कि ये पॉलिटिक्स एक नेगेटिव पॉलिटिक्स है ब्रदर ये पॉलिटिक्स एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स है उन लोगों के लिए जो लोग सालों से दबाए जा रहे हैं लेकिन डिपेंड करता है कि आवाज़ उठाई कैसे जाती है वायलेंस करके नॉन वायलेंस करके और अगर आप नॉन वायलेंस करके आवाज़ उठाना भी चाहते हो तो ये डिपेंड करता है सरकारों पर कि सरकार आपकी इस नॉन वायलेंट मूवमेंट को किस तरीके से देखती है ज़रूरी नहीं है कि हर सरकार नॉन वायलेंट मूवमेंट को बहुत पॉजिटिव तरीके से ले और उसका रिस्पॉन्ड भी पॉजिटिव तरीके से दे आपने श्रीलंका में देखा था किस तरीके से जब 1956 में श्रीलंका की सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जो पूरी तरीके से सिंहला को सपोर्ट करता था तमिलेंस ने स्टार्टिंग में नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट किया था लेकिन क्या श्रीलंका की गवर्नमेंट ने उस प्रोटेस्ट को अकॉर्डिंगली uh, रिस्पॉन्ड किया आई डोंट थिंक सो सोशल साइंस ऐसा नहीं सोचता सोशल साइंस का मानना ये कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने उस सेंसिटिव इशू को उस तरीके से हैंडल नहीं किया जैसा उसे हैंडल करना चाहिए था रिजल्ट हुआ समाज के टुकड़े और फाइनली देश के टुकड़े की डिमांड हालांकि देश के टुकड़े हुए नहीं बट समाज में जो वायलेंस फैली उस वायलेंस की वजह से श्रीलंका जैसी प्रोस्पेरस कंट्री जहाँ पे लोगों का एजुकेशन स्टैंडर्ड हेल्थ इश्यू सॉरी जो हेल्थ का इंडेक्स था काफ़ी ऊपर था वो आज एक पिछड़ी हुई कंट्री में आता है तो इस चैप्टर में हमने पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन की बात की नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कि इसके आउटकम क्या होते हैं और इसके आउटकम किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं हम थोड़ा सा क्रॉस कटिंग और ओवरलैपिंग कल्चर के बारे में भी बात करेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत आसान हो थैंक्स लॉट